महानगर में बुद्धि विहार सेक्टर 7B स्थित ज्योतिबा फूले पार्क में लगभग 10 वर्षों का झाड़ छंखार और गंदगी साफ करने के लिए लोगों को आगे आना पड़ा। आओ हाथ बढ़ाएं एक पहल मदद की। चैरिटेबल ट्रस्ट ने स्वेच्छांजलि दिवस पर आवास विकास परिषद से एक वर्ष के लिए गोद लिया। सफाई और मरम्मत की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। रविवार को ट्रस्ट की अपील पर कॉलोनी की महिलाएं समेत तमाम आवंटी इस पार्क को साफ करने जुटे। शाम तक काफी कुछ नजारा बदल गया। लोगों ने न सिर्फ पार्क में जमा गंदगी साफ करके कचरे का एकत्रीकरण किया बल्कि नीलकंठ महादेव मंदिर और उसके आसपास के इलाके को भी साफ किया। ट्रस्ट की अध्यक्ष गीतांजलि पांडे गीता ने आवास विकास परिषद को पत्र लिखकर इस पार्क की सफाई की जिम्मेदारी ट्रस्ट को सौंपने के लिए पत्र लिखा था, जिस पर अधीक्षण अभियंता ने रजामंदी दी। दूसरी ओर नगर निगम से इस पार्क की सफाई के बाद एकत्र कचरे को रखने के लिए ट्रस्ट ने डस्टबिन की मांग की, जिस पर नगर आयुक्त संजय चौहान गंभीर हुए। 2 डस्टबिन पार्क के 2 कोनों पर गड्ढे खोद कर रखवा दिए गए। इससे लोगों का उत्साह और बढ़ा। ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं समेत कॉलोनी के बच्चों समेत लोगों ने सफाई को जन आंदोलन बना दिया और सारा कचरा साफ करने में जुट गए। ऊंची ऊंची उगाई घासों के साथ झाड़ियों को भी काट कर पार्क को साफ किया गया और खूबसूरत बनाया गया। आओ हाथ बढ़ाएं संस्था के अध्यक्ष गीतांजलि पांडे ने बताया कि अभी पूरी सफाई करने में कम से कम 5 दिन का वक्त लगेगा। इस अभियान में ट्रस्ट की अध्यक्ष गीतांजलि पांडे के अलावा राघव रस्तोगी, रोहित खुराना, सोतेंद्र गुर्जर, नीतारख सक्सेना, मीनाक्षी शर्मा और स्थानीय लोगों ने वन्ना मुदगल, ऋचा पांडे, नीलू, गीतू कठेरिया, गरिमा पांडे, नीलम सिंह, अंशु शर्मा, राखी कात्याल और मधु भटनागर आदि ने श्रमदान किया। आओ हाथ बढ़ाएं की तरफ से आज हम अपने ट्रस्ट की तरफ से, ये एक पार्क है बुद्धि विहार में स्थित है और ये 7B का एक क्रीमिश प्लेस है जिसको आवास विकास ने ये कह के आवंटित किया था कि ये आपके यहाँ ये सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट होगा। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पार्क की हालत क्या है, जब से भी हम लोगों ने ये हमें मकान आवंटित हुआ है तब से तो यहाँ कभी साफ सफाई देखी नहीं। तो आज हमने आओ हाथ बढ़ाए एक पहल मदद की तरफ से स्थानीय लोगों के साथ मिल करके इस पार्क की सफाई का एक अभियान छेड़ा है और इस पार्क को हमने 1 साल के लिए अडॉप्ट किया है आवास विकास से परमिशन लेकर। कब तक ये साफ सफाई हो जाएगी पार्क की, कब तक का लक्ष्य है आपका? ये पार्क की साफ सफाई मुझे जहाँ तक लगता है आप भी देख रहे हैं कि कम से कम इसमें 10 दिन लगेगा इसकी पूरी तरह से साफ सफाई कराने में, इसका कूड़ा उठवाने में, इसको मेंटेन कराने में कम से कम 10 दिन का समय लगेगा इसमें। इसके अलावा और क्या साफ सफाई के अलावा और क्या किया जाएगा इस पार्क में? साफ सफाई के अलावा इसमें जो इसमें प्लांट्स हैं, जो इसमें पेड़ लगे हुए हैं, इनको छटाई करा करके एक आकर्षक वो देने का प्रयास किया जाएगा। बाकी इसमें जो छोटे छोटे पौधे हैं इन्हें भी करीने से लगा करके, माली लगा करके इन्हें मेंटेन कराने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि ये तो अभी छत विछत हुआ पड़ा है और परमिशन तो हमें आवास विकास ने दिया है लेकिन किसी भी तरीके का निर्माण कराने के लिए हमें उन्होंने मना किया है कि आप इसमें जो टूटी दीवारें हैं इनका आप निर्माण नहीं करा सकते, इसके लिए उनकी सख्त हिदायत है हमें।